नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों को शांति से प्रदर्शन करने की अनुमति दी जानी चाहिए और सुरक्षा बलों को संयम दिखाना चाहिए। पूर्वोत्तर दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून पर सांप्रदायिक हिंसा में पुलिस कांस्टेबल सहित कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई और बुधवार तक 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस सड़कों पर चलने और लूटपाट करने वाली दंगाइयों को रोकने के लिए संघर्ष कर रही है। महासचिव गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रदर्शनकारियों को शांति से प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए और सुरक्षा बल संयम दिखाएं। दुजारिया से जब पूछा गया कि क्या संयुक्त राष्ट्र स्थिति की निगरानी कर रहा है तो दुजारिक ने कहा कि हाँ, हम स्पष्ट रूप से इस पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले 2 दिनों से जारी हिंसा के बाद अब स्थिति सामान्य हो रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हिस्सों में धीरे धीरे शांति वापस लौट रही है और ज्यादातर जगहों पर हालात सामान्य हो रहे हैं। इस बीच हिंसा के बाद लोग थोड़े डरे हुए हैं। बता दें कि अभी भी दिल्ली में कई जगहों पर छिटपुट हिंसा जारी है। इसी बीच पुलिस ने उत्तर पूर्वी इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। सीलमपुर इलाके में पुलिस ने 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है।